धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें सुंदर अवसर को प्रदान किया है इस समय में, जबकि हम सब के लिए संभव नहीं है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति इस समय कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि फ्राइडे, गुड फ्राइडे जो है मसीहों का एक पर्व है, और इसमें हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करते हैं। अपने अपने चर्चों में, अपने स्थानों में रहकर हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं, परंतु आज ये संभव नहीं है। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस है जो इस पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है, और जिसके कारण से हम सब लॉकडाउन में हैं और अपने घरों पर हैं, और इसलिए आज हम ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं अपने घरों में रहकर, और परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं। परमेश्वर के उस अद्भुत काम को हम, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर किए हैं, उन बातों को हम देख रहे हैं। तो एक परमेश्वर ने क्रूस पर 7 वाणी कहे हैं, और जिसमें से एक वाणी है 7वां वाणी, जिस पर मैं कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ। और मेरे लिए पहला अवसर है कि मैं ऑनलाइन इस तरह से परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूँ, और इसलिए कुछ बातें हैं, बहुत सारे हम बातों को देखते हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा इन वचनों को हम सुन चुके हैं, और इसलिए हम बड़ी बड़ी बातों को हम जानते हैं कि परमेश्वर के उन 7 वाणियों को हम मनन करते हैं, देखते हैं, और उनको, उनके द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करते हैं। कुछ बातें हैं जिसे मैंने जाना है, मनन किया है, उन बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और इसलिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और 46 पद को पढ़ें। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्रभु यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो थे अपने प्राण को त्यागे। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह का जो ये 7वीं वाणी है, हम इसमें पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपते हैं, और ये वो अंतिम समय था, अंतिम क्षण था जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा और परमेश्वर को समर्पित किया। त्यागना, सौंपना, सौंपने का अर्थ है त्याग करना और समर्पित करना, अपने आप का समर्पण करना। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान किया। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर, इससे पहले कि वो अपने प्राण को त्यागे, हम जानते हैं और इस बात को कि इसको हम, इन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किए, ये उससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके विषय में हम जब मनन करते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में, तो बहुत ज़्यादा दुखित घटना है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाकर चल रहे हैं, लोग जो हैं पीछे से कोड़े लगा रहे हैं और नाना प्रकार के वचनों को उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं, और कई ऐसे बातें हैं जब हम वचनों को पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो हम पाते हैं कि कितना भयानक बातें थी और कितना दुख और पीड़ा के समय में प्रभु यीशु मसीह थे। उनको कोड़े लगाए गए थे, वो कोड़े के विषय में जब हम पढ़ते हैं, तो वो कोड़े जब लगाया जाता था, मैंने कई प्रभु के दासों से इस बात को सुना कि जब वो कोड़े लगाए जाते थे तो कई जगहों से मांस जो है निकल जाता था। वो कोड़े जब लगते थे तो पूरी रीति से मांस और लहू जो है बाहर निकलता था, और ऐसी पीड़ादायक में ऊपर से क्रूस जो है, लकड़ी का एक बड़ा क्रूस है, उसे प्रभु यीशु मसीह उठाकर उन पहाड़ों के ओर जा रहे हैं। कितना भयानक पीड़ादायक बातें हैं। और उसके बाद उस स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया जाता है। और ये सारी बातें होने के बाद आज हम उस बात को देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, गुड फ्राइडे है। अद्भुत बात है ना,
आप सोच सकते हो कि इतना कष्ट, इतना संकट, इतने परेशानी, इतना तकलीफ का दिन यीशु मसीह के लिए, और उसको लोग गुड फ्राइडे कह रहे हैं। कई एक दोस्त हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, और हम जब उनको बोलते हैं कि गुड फ्राइडे क्या है, गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, तो वो उनको सहज बातों में बताना पड़ता है। और हमने सुना है इस बात को बोलते हैं कि हमने सुना है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, क्रूस पर उसे मारा गया था, लेकिन फिर भी आप उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। छोटी सी बातों में आप और मैं उनको समझाते हैं कि आप नहीं जानते, आप उसको बताने की कोशिश करते हैं। मैंने भी कई लोगों को बोला कि सच में ये गुड फ्राइडे एक अच्छा दिन है, शुभ शुक्रवार है ये हमारे लिए, हम मसीहों के लिए जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन अपने प्राण को दिया, इस दिन हमारे गुनाहों अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। और हम जब उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, उसके समीप जाकर अपना समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, उद्धार देता है। इसलिए ये दिन हमारे लिए गुड है, अच्छा है, शुभ है, इसलिए हम उसको गुड फ्राइडे का नाम देते हैं। इसके विषय में और बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, परंतु आप और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह ऐसे पीड़ाओं के समय में जाकर क्रूस पर, जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसे भेजा था, उसे पूरा किया। एक मिशन पर थे प्रभु यीशु मसीह, एक कार्य जो परमेश्वर ने उनको सौंपा था उसको उन्होंने पूरा किया, उस मिशन को उन्होंने पूरा किया, और पूरा करके वहाँ पर उन्होंने इस बात को अंतिम समय में कहा कि परमेश्वर अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सौंपने के बाद, समर्पण करने के बाद, समर्पित हो जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, समर्पण करने के बाद क्या हुआ उस जगह पर, कुछ बातों को हम और देखेंगे। अगर हम ऊपर पढ़ें तो लगभग ये समय दोपहर का समय था, दोपहर का समय था, दूसरे और तीसरे पहर की बात है। और वहाँ पर हम जानते हैं कि जब दोपहर का समय होता है तो सूर्य जो है बहुत तेज होता है, उसका प्रकाश जो है बहुत तेज होता है, पूरी रीति से सूर्य का प्रकाश जो है पूरी गर्मी पर होता है, पूरा प्रकाश पूरी पृथ्वी पर होता है। कई लोग, इतना प्रकाश होता है, इतना धूप होता है, आप जानते हैं कि वहाँ पर लोग खड़े हो नहीं सकते ज़्यादा देर, इतना धूप का समय होता है दोपहर का समय। और लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को प्रभु के हाथ में सौंपा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ करके अपने जब प्राण को त्याग दिए यीशु मसीह, उसी समय दोपहर के समय अंधियारा हो गया, पूरी रीति से सूर्य अंधकार में बदल गया, और मंदिर का पर्दा जो है ऊपर से नीचे तक फट गया। ये एक अद्भुत बात थी जिसको वहाँ पर जितने लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आए थे वो सब लोग देख रहे थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा, जो उसे भाला मारे और उसके ऊपर कोड़े मारे और नाना प्रकार के काम को कर रहे थे, उन्होंने भी इस काम को देखा और देखकर कहा कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, वो जान गए। और उस सूबेदार के लिए लिखा है कि उसने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया परमेश्वर के काम के लिए। और जब इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने काम को किया तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में नए नियम में हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 17 और 19 पद को पढ़े, क्या लिखा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया। इस समर्पित करने का अर्थ है पवित्र करना। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए परमेश्वर के हाथ में सौंपा कि वो पवित्र हो। आप जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं,
अपने गुनाहों को मानते हैं, समर्पित करते हैं अपना जीवन, तो परमेश्वर का लहू जो है आपको और मुझको पवित्र करता है। पुराने नियम में हम जब इस बात को पाते हैं, लोग वस्तुओं को और अपने कार्यों के समयों को और चीज़ों को, सब चीज़ों को, पहलौठों को परमेश्वर के पास लाते थे, समर्पित करते थे, इसलिए कि वो पवित्र ठहरे, पवित्र हो जाए। और परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया, अपने आप को बलिदान किया, समर्पित किया, और तब परमेश्वर ने उसको पवित्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक स्थान को निकाले मेरे साथ, यूहन्ना 12 उसका 27 में क्या लिखा है? अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या करूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी में पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई। मैंने उसकी महिमा की है। और फिर भी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को देखकर परमेश्वर की महिमा को किया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को किया। विश्वासियों का महायाजक होने के रूप में उसने अपने आप को चढ़ा दिया, अपने आप का उसने बलिदान कर दिया, पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए प्रत्येक मसीही को चाहिए कि वो अपने आप को बलिदान कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए भेंट चढ़ा दे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने इस काम को किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का समर्पण किया, तो क्या हुआ? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया, और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का समर्पण किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं, और परमेश्वर ने पिता की महिमा के लिए हर एक जीव, हर एक भाषा बोलने वाले लोग उसके सामने घुटने टेके, इतना महान कर दिया, सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में कर दिया। आज आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा, उसके समर्पण के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, उस परमेश्वर के महान नाम को जान पाते हैं, वश यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, उसकी महिमा को हम करने पाते हैं। दानियल ने एक स्वप्न को देखा कि मनुष्य का संतान का स्वरूप जो है आकाश में बादलों पर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र जो है आकाश पर आ रहा है। दानियल ने इस स्वप्न को उसने देखा, और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 11 और 15 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर यूहन्ना ने भी एक दर्शन देखा, जब सातवीं तुरही फूकी गई। हालेलुया, पढ़ें क्या लिखा है। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे। स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द में ये आकाशवाणी होने लगी, जगत का राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज करता रहे। आज प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज, उसका नाम जो है इस पृथ्वी पर राज करता है। आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है राज करता है। जब उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान किया, तो आज आप और मैं उस परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करने पाते हैं। और क्या लिखा है आगे? तब चौबीसों प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल उसके सामने गिर गए परमेश्वर को दंडवत करने के लिए
यह कहने लगे हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो था उसका धन्यवाद करते हैं और बड़े सामर्थ्य के काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया और जाति जाति के लोग जिन्होंने क्रोध किया उन पर तेरा प्रकोप आ पड़ा है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि जिन लोगों ने क्रोध किया उन सारे पर परमेश्वर का ये परमेश्वर का प्रकोप है और इसलिए आज आपको और मुझको चाहिए कि हम अपने आप का समर्पण करें और जब परमेश्वर की महिमा में उस परमेश्वर के सिंहासन के पास आप और मैं आते हैं और परमेश्वर के पास अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उस परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, तो वो परमेश्वर आपको और मुझको क्षमा करता है और उसके नाम की बड़े नाम की महिमा को हम करने पाते हैं। वो परमेश्वर के पास हम अपने जीवन का समर्पण करें। आज उस परमेश्वर के पास डरें। परमेश्वर के पास जो लोग डरते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, अपने जीवन को देते हैं, उसका डर और भय मानते हैं, चाहे कोई भी हो, पृथ्वी के कोई भी लोग हो, अगर वो परमेश्वर के पास आएंगे डर और भय के साथ अपने जीवन का समर्पण करेंगे तो वो परमेश्वर अपने राज्य में उनको लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज आपके पास और मेरे पास ये समय है मेरे प्रियो कि हम ऐसे समय में जब दुख और संकट और मुसीबत और परेशानियों के समय में हैं हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, अपना जीवन का समर्पण करें, अपने पाप अपने गुनाहों को माने और परमेश्वर आपको महान करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, वो परमेश्वर आपको आशीषें देगा, वो परमेश्वर आपके कामों पर, आपके सेवाओं पर, हर चीज पर, आपके परिवार पर, सब पर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। वो महान प्रभु यीशु मसीह के पास आज हर एक मसीह के लिए ये समय है, हर एक विश्वासियों के लिए ये समय है कि हम परमेश्वर के पास अपने जीवन का समर्पण करें। जब आप परमेश्वर के पास अपने जीवन का समर्पण करेंगे परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, कि हम थोड़ी देर परमेश्वर पिता उन वचनों पर परमेश्वर जो आपने क्रूस पर से कहे, उन सात वाणियों पर विचार किया परमेश्वर पिता, और उसमें से एक जो सातवीं वाणी है परमेश्वर पिता उस पर हम थोड़ी देर विचार कर रहे थे प्रभु, और सच में आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, अपने आप का समर्पण किया, अपने आप का बलिदान किया परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा हम सब उद्धार और छुटकारे को, जिसके द्वारा हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम जान सके हैं प्रभु, आपको पिता परमेश्वर हम आज पा सके हैं परमेश्वर पिता। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारे पाप अपने अधर्मों को पिता परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया प्रभु और उस क्रूस पर बलिदान हो गए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज हम अपने जीवन का समर्पण करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा करें प्रभु, और पिता परमेश्वर जिस प्रकार आपने समर्पित जीवन को जिया उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में समर्पण के साथ आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सके, हमारी सहायता करें परमेश्वर। आप ऐसा करेंगे आपको धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं।